हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके पर्सन जो है उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है, सुननी है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, व्यूअर्स अगर आप इस वीडियो तक बहुत समय बाद भी पहुंचे हैं, या फिर ये रीडिंग आपसे पूरी तरह से रेजोनेट अगर नहीं कर रही है, तो भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। ओके इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास नहीं करना। ओके चलिए देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छे से शफल करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। Ace of Cups, that's good. Strength, ठीक है। चलिए और ज्यादा देखते हैं। We need more cards. Okay, here we have this card. The card of Hermit. ये card आजकल मुझे काफी सारी readings में दिख रहा है। एक card और लेंगे हम। This card wants to come out, and this card is of Four of Pentacles. Interesting. चलिए मैं इन कार्ड्स को अरेंज करती हूँ। Okay, viewers, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स को अरेंज कर दिया है। उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, पहली चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में इस वक्त कंफ्यूजन बहुत है। बहुत कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। किसी चीज को लेकर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं वो। ओके यस, मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंफ्यूजन किन्हीं दो चीजों के बीच में है, दो ऑप्शंस के बीच में है, दो रास्तों के बीच में है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इमोशनली किसी और से अटैच है, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। आई होप यू ऑल कैन सी दिस एस ऑफ कप्स कार्ड हियर। तो ऐसा नहीं है कि ये इस बारे में कंफ्यूज हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, डू दे लाइक यू और नॉट, इस बारे में कंफ्यूज नहीं है वो। उनका कंफ्यूजन किसी और चीज को लेकर है, और वो कंफ्यूजन के लिए उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दे आर फीलिंग स्टक एंड कंफ्यूज। ऐसा लगता है जैसे कोई डिसीजन लेना है उन्हें, किसी डिसीजन पर पहुंचना है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, कुछ फैसला करना होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या फैसला ले, और वो बहुत स्टक हो गए हैं उसी पोजिशन पर। क्योंकि जिस पॉइंट से, जिस प्लेस से आपको दो रास्ते दिखते हैं, वहीं पर आपको एक रास्ता चुनना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक रास्ता कोई भी चुन लेंगे रैंडमली, फिर दूसरे पर जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ही डिसाइड करना होता है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। आपको पहले ही डिसाइड करना होता है आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि इन्हें कोई डिसीजन लेना है, और इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आ भी गई है पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इसी वजह से
ये एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं। यस, तो उनके मन में क्या चल रहा है, देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है। और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इनके पास फैक्ट्स भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आई कैन सी दैट। यस, ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि किसी चीज की वजह से इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके पास कोई किसी बात की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, कुछ बात ऐसी है जो इन्हें पूरी तरह पता नहीं है, या अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका आउटकम क्या होगा, और अगर मैंने वो फैसला लिया तो उसका आउटकम क्या होगा। तो मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग की वजह से भी स्टक हो सकते हैं। जब भी हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से हम स्टक हो जाते हैं। कोई अच्छा डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन लेने में समय लग जाता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर भी डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग बातें कह रहे हैं। व्यूअर्स, इनका कंफ्यूजन इस चीज में भी हो सकता है कि एक तरफ इनके इमोशंस हैं, एक तरफ इनका प्यार है, एक तरफ इनकी फीलिंग्स हैं, और दूसरी तरफ हो सकता है कोई भी ऑब्लिगेशन हो सकती है, कोई भी ऑब्लिगेशन। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि आपके ये जो पर्सन है, ये ऐसा भी इस बारे में भी सोच कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो आपको अपना प्यार, अपना कप ऑफ लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ऑफर करें या फिर ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज का डर भी है शायद। यस, किसी चीज का डर भी है, इसीलिए अब तक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, बहुत रिस्पेक्ट है और अनकंडीशनल प्यार है। यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ओके, ये कुछ भी, इनको कंप्लेन नहीं है आपसे, कोई भी डिमांड नहीं है आपसे, ना ही कोई बहुत एक्सपेक्टेशन थे, कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। दे जस्ट लव यू फॉर हु यू आर, जैसे भी आप हैं, जो भी आप हैं, दे लाइक यू, दे लव यू, दे वॉन्ट यू। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ प्यार की बात नहीं है, अनकंडीशनल, यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पेक्ट भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उन्हें कंफ्यूज करता है, रोकता है आपको अपना प्यार कन्फेस करने से भी। वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, उस चीज में भी कोई रुकावट है, उस चीज में भी कुछ कहीं वो स्टक हो गए हैं। यहां पर मुझे उनके अंदर ना स्ट्रेंथ की बहुत कमी लग रही है, स्ट्रेंथ कह लीजिए, करेज कह लीजिए, हिम्मत की कमी, स्ट्रेंथ की कमी। बहुत सारी चीजें उन्हें करनी है, बहुत सारे एक्शंस या डिसीजंस लेने बाकी हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो पेंडिंग हैं, तो उनको वो चीजें करनी है, वो सब कुछ पूरा करना है, लेकिन हिम्मत नहीं है अभी। डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, या कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिंग देम, लाइक क्या उनको रोक रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स की आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो रास्तों में चुनना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश की है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, बिल्कुल अकेले बैठकर, जब भी, या फिर वो अकेले बैठते हैं, जब भी अकेले हो जाते हैं, उन्होंने बहुत चिंतन किया है, बहुत सोचा है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत डीप लेवल पर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको कोई आइडिया आ जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई राह मिल जाए, यू नो, बस किसी चीज को ढूंढने के लिए, किसी रास्ते को ढूंढने के लिए, किसी किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है। और ये बहुत अकेले में बैठकर सोचना चाहते हैं, बहुत शांति में सोचना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी ये किसी से पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं तो भी लोग बहुत ज्यादा सजेशंस देते हैं और बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं इनके डिसीजन में। और ये नहीं चाहते कि इनका डिसीजन किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो या किसी से एडवाइस लेने पर आया हो, ये खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं। दैट्स फाइन, दैट्स गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अकेले बैठकर ये कुछ सोच रहे हैं, कोई किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं। और अकेले का मतलब ये है कि सच में वो लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना नहीं चाहते, उनका लोगों के साथ मन नहीं लग रहा है, उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है।
ओके, ज्यादा सोशलाइज करना, ज्यादा इंटरैक्ट करना उनका अब मन नहीं कर रहा। हो सकता है वो यूजुअली करते हो, लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं हो रही। मूड की बात होती है, मन है मन नहीं है, अभी मन नहीं है उनका। उनका लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मन नहीं है, उनका बहुत सारे कॉल्स रिसीव करने का, बहुत सारे मैसेजेस को रिप्लाई करने का, यहाँ जाने का, वहां जाने का, मिलने का लोगों से उनका कोई मन नहीं है। वो सिर्फ अकेले बैठकर, उन्हें कुछ टाइम चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहना चाह रहे, आई नीड सम मोर टाइम, आई नीड टाइम, आई नीड स्पेस। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा वक्त चाहते हैं अपने लिए, अपने साथ, जिससे कि वो कुछ प्रोडक्टिव सोच सके। यस, बिकॉज दे कैन नॉट फॉरगेट यू, दे लव यू व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा नजर आता है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से, या स्ट्रेंथ की और जरूरत है यहाँ पर, तो स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से हो सकता है अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, या अपनी लव लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस की जरूरत है, जो जरूरी निर्णय लेने चाहिए, अब तक वो नहीं लिए हैं क्योंकि करेज नहीं है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये बहुत ज्यादा पजेसिव भी हैं आपको लेके, और मैं पजेसिव ना कहूँ तो मैं प्रोटेक्टिव ज्यादा कहूंगी। दे थिंक कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत गलेबल हैं, लवेबल हैं, और बहुत ज्यादा व्हाट शुड आई से, बहुत ज्यादा हम्बल हैं, पोलाइट हैं, या इनोसेंट हैं। ओके, तो आप उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आप किसी और की बातों में आ जाएं, या कोई और आपको कन्वेंस कर ले या मैनिपुलेट कर ले, उनको ऐसा भी लगता है। तो पजेसिव तो है ही, पर पजेसिव से ज्यादा मैं कहूंगी प्रोटेक्टिव है आपको लेके। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, दे हैव दिस अर्ज इन देम, उनके अंदर ये ना, उनको फील होता है कि मुझे ना इस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मुझे इस इंसान को रोकना चाहिए गलत लोगों की बात मानने से, या मुझे इनको थोड़ा ये मेरे पास ही रहें, मेरे ही रहें। उस चीज में भी ये पजेसिव भी हैं कि आप उनके ही हैं, उनके ही रहें, किसी और की बातों में ना आए। और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आप किसी और को ज़्यादा अटेंशन दें, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें। और हो सकता है एट द सेम टाइम उन्हें जेलस भी फील होता है, दे फील वेरी जेलस। अगर आप किसी और से बात करते हैं, किसी और को समय देते हैं, दे फील जेलस। यहाँ मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये पूरी रीडिंग ऐसा बताती है कि सोच विचार चल रहा है, क्योंकि इनफ करेज नहीं है कोई एक्शन लेने के लिए, इसीलिए इतना ज्यादा सोच विचार चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो भी इनका एक्शन होगा, ये अपनी फीलिंग्स आपको जरूर कन्फेस करेंगे, अपना प्यार आपको जरूर शो करेंगे, एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, यानी शब्दों के द्वारा, और अपने कर्म के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, कैसे भी अपने बिहेवियर से ये आपको अपना लव जो है वो जरूर शो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। चलिए व्यूअर्स, मैं और शॉपिंग करती हूँ, देखते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये ना बहुत जल्दी डिसीजन पर पहुंचना चाहते तो हैं। ये बहुत जल्दी डिसीजन पर पहुंचना चाहते तो हैं, और साथ ही साथ इन्हें जो स्लो एक अप्रोच हो गई है, यानी कि रिश्ता ना बहुत स्लो हो गया है, एक कनेक्शन बहुत स्लो हो गया है। जो चीजें अब तक हो जानी चाहिए थी वो पेंडिंग है, जो बातें अब तक हो जानी चाहिए थी वो भी अब तक नहीं हुई है, जो कन्फेशन, जो एक्सचेंज अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है काफी सारी चीजें ना बहुत स्लो स्पीड से चल रही हैं। इनकी भी गलती हो सकती है, या इनका भी कोई रीजन हो सकता है जिस वजह से सब कुछ स्लो हो गया है, या आपका भी कोई रीजन हो सकता है व्यूअर्स, जिस वजह से सब कुछ इतना स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो देखते हैं कि इनको अब तक ये कर लेना चाहिए था, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, और कितना समय था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अब वो जल्द से जल्द कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए दिन रात सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। हम्म,
Okay, we have this card pigeon. ऐसा लगता है व्यूअर्स दे वांट टू गिव यू अ मैसेज, कोई संदेश आपको देना चाहते हैं, कोई मैसेज ही आपको देना चाहते हैं. हो सकता है कि आपको मोबाइल पर ओके कोई मैसेज रिसीव हो, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज भेजे, या कोई व्हाट्सएप मैसेज, फोन मैसेज, समथिंग, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई संदेश, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं. दे हैव समथिंग टू से, इनके पास कुछ है आपको बताने के लिए, बोलने के लिए. यस, ये कुछ तो आपको बताना चाहते हैं अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, किसी चीज के बारे में तो ये आपको बताना चाहते हैं. और ये इस बारे में बहुत सोच भी रहे हैं कि ये कब बताएं, कैसे बताएं और किस तरह से बताएं. यस, तो इनकी तरफ से आप कोई कॉल, कोई मैसेज एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. मैं कहूंगी 60% केसेस में ये कोई कॉल कर देंगे, कॉल नहीं तो मैसेज कर देंगे. ओके, और व्यूअर्स अगर ये कोई कोई मतलब ओके जस्ट अ सेकंड, अगर ये कोई पोस्ट शेयर करते हैं या कोई क्लिप, कोई वीडियो शेयर करते हैं, कुछ ऐसा सोशल मीडिया का कोई ऐसा कंटेंट जो शेयर कर देते हैं वो आपसे, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ अच्छा लग रहा है इसीलिए शेयर किया. अगर जोक्स वगैरह नहीं है, अगर वो जोक्स सेंड नहीं कर रहे हैं, कोई फनी चीजें नहीं दिखा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा शेयर करते हैं आपको, तो आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा. हो सकता है उसके थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हों. कभी कभी होता है ना कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते नहीं कह पाते, तो वैसी ही कोई वीडियो होती है, वैसा ही कोई यू नो कुछ ऐसा क्लिप होता है, वो हम शेयर कर देते हैं. ओके, तो हो सकता है कि कुछ अगर शेयर कर रहे हैं वो आपको, अगर वो बहुत फनी या बहुत हिलेरियस बातें नहीं है, तो हो सकता है उसके पीछे कोई मीनिंग हो. ओके ओके, हियर वी हैव दिस कार्ड. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहां पर कि कोई तो है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के डिफरेंसेस का, या आप लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके, जो भी आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं, देयर इज समवन हु इज एंजॉयिंग दैट. कोई है जो एंजॉय कर रहा है इस चीज को. मुझे नहीं पता कौन है. ओके, आई कैन नॉट से कि ये है वो है. मैं ये भी नहीं कह सकती मेल है फीमेल है, बट देयर इज समवन, ओके, जो आप लोगों के बीच आए डिफरेंसेस को, आप लोगों के बीच हुई प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, इश्यूज को एंजॉय कर रहा है, यानी कि तमाशा देख रहा है. देयर इज समवन, ओके. आई थिंक आपके पर्सन प्रोटेक्टिव है इस रिश्ते को लेकर भी, क्योंकि शायद उन्हें पता है पहले से ही कि कोई है जिसको बहुत मजा आएगा हम लोग अलग हो जाएंगे, तो कोई है जो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है हमारे डिफरेंसेस को. तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अगर ये पता है, इसीलिए भी शायद वो और ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं या करती हैं. या नो, ये तो काफी सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए. आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम. व्यूअर्स, मुझे यहां पर ऐसा लगता है दैट इनको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा. यस, इनको अगर ये सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ विचारों में ही इनकी ये सारी प्लानिंग हो रही है, तो इनको ये सब एक्शंस में करना होगा. यू नो, सोच सोच कर क्या है, सोच सोच कर तो कुछ भी नहीं हासिल होना है, लेकिन इनको ये जो भी सोच रहे हैं उसको अपने एक्शंस में दिखाना होगा. ओके, क्योंकि जब तक ये कोई एक्शन डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक इनकी सोच का भी किसी को पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या सोच रहे थे जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे. हमारे एक्शन से पता लगता है ना कि हम जो सोच रहे थे, अच्छा हम ये सोच रहे थे. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोचना या उस सिचुएशन में स्टक हो जाना एक जोन बन गया है, एक ऐसा मैं कंफर्टेबल जोन नहीं कहूंगी, लेकिन एक जोन में है वो अभी. और इन्हें उस जोन से, उस थिंकिंग से और उस पैटर्न से बाहर आकर ये सब करना होगा. ये सब सोच कर क्या फायदा. ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनको एक स्टेप लेना है आउट ऑफ देयर जोन, आउट ऑफ देयर यू नो या
आउट ऑफ देयर थिंकिंग, आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इनको ना थोड़ा एक स्टेप आउट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, या अपने जिस भी जोन में वो हैं अभी, चाहे थिंकिंग मोड में है, थिंकिंग मोड में है, वहां से भी उनको बाहर आना चाहिए, चाहे स्टक हो गए हैं उस मोड में है, ओके, बहुत कॉन्स्टेंट और स्टैग्नेंट मोड में है, वहां से भी बाहर आना चाहिए. दे नीड टू स्टेप अप. ओके, चलिए और देखते हैं. इसी डेक से एक और कार्ड लेंगे व्यूअर्स. ओके, एक कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है लायन का. तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर ये जो इनके अंदर स्ट्रेंथ की और करेज की कमी है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लायन का कार्ड आया है. और लायन कितना ज्यादा करेजस होता है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसमें कितनी हिम्मत, कितना करेज और कितनी ब्रेवरी होती है, ये हम जानते हैं. तो यहाँ पर मुझे लगता है जो हिम्मत की कमी है, जो करेज की कमी है, वो अब नहीं होगी. मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये वो स्ट्रेंथ गैदर कर लेंगे जिसकी इन्हें ज़रूरत है, जिस ताकत की, जिस हिम्मत की, जिस स्ट्रेंथ की इनको ज़रूरत है, वो उतने स्ट्रांग सच में हो सकते हैं. ओके, बस उनको सिर्फ अपने उस जोन से, उस मोड से बाहर आना है. ओके, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने हैं. ऐसा नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करते रहे, मैंने ये किया तो क्या होगा, मैंने वो किया तो क्या होगा, फिर इस तरह से तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम. ओके, इसीलिए इनको डिसीजन जरूर लेने हैं. ओके, ये चलिए मैं देखती हूँ कि डिवाइन गॉड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं. आइए चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे. ओके, ये कार्ड पहले ही पॉप आउट हो गया है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से एक साल बाद, या आज से एक साल पहले. आज से एक साल पहले भी कुछ मेजर हुआ हो सकता है, और आप आज से एक साल बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत चेंजेस हो चुके होंगे और बहुत बदलाव आ चुका होगा. ओके, यस, तो एक साल और लग सकता है चीजों में कुछ लोगों के लिए, यहां पर संदेश है. चलिए और देखते हैं. इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है व्यूअर्स, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके डियर एंड नियर वंस और आपके पर्सन जो हैं उनके डियर एंड नियर वंस. तो मुझे लग रहा है किसी की तो हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, हो सकता है आपके और आपके पर्सन की भी हो सकती है. ओके, तो हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, कोई अगर हेल्थ इश्यू था तो वो भी रिकवर हो रहा है. ओके, जस्ट वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस टेक्स्ट. डिवाइन प्लीज गाइड. विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो यहाँ से कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए एक साल लग सकता है पूरे चेंजेस आने में, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने में. पर कुछ लोग चेंजेस को विटनेस करना स्टार्ट कर देंगे, बदलाव को देखना शुरू कर देंगे अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ही. विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपको कुछ माइनर चेंजेस तो दिखने लगेंगे. जैसा कि मैंने कहा कि इनसे कोई मैसेज रिसीव हो सकता है. ओके, ये अपने उस जोन से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनको जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना है, ये भी मैं देख पा रही हूँ. लेकिन वो सिर्फ इनकी मन की बातें हैं कि ये सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना है, मुझे जल्दी डिसीजन लेना है. ओके, पर ये सब इन्हें करना भी होगा. हमने यहाँ पर कहा था कि ये आपको कोई संदेश देना चाहते हैं. चलिए हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं ये देखने के लिए कि वो सच में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं. दो कार्ड्स मेरे हाथ पे आए हैं, चलिए हम दोनों का ही मैसेज देखते हैं. स्टे अ बिट लॉन्गर विद मी, आई नीड यू. स्टे अ बिट लॉन्गर विद मी, आई नीड यू. मेरे साथ थोड़ा और ठहरो, मेरे साथ थोड़ा और रुको, मेरे साथ थोड़ा और रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है. दे नीड यू व्यूअर्स, दे नीड यू. आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ. ओ माई गॉड, वो आपको साफ साफ बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आइए चलिए और देखते हैं. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक. तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जब भी वो गाने सुनते हैं या कुछ ऐसे गाने हैं
जो कहीं ना कहीं आप लोगों की सिचुएशन से मैच करते हैं। तो जब भी वो उन गानों को सुनते हैं उन्हें आपकी याद आती है। ये ऐसा हो सकता है आपको कोई फेवरेट हो आपका सॉन्ग, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग, या आप कोई सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनते थे, या इन्होंने आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया था, या आपने, आई डोंट नो। लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसा म्यूजिक है कि वो जब भी सुनते हैं उनको लगता है कि जैसे आप आसपास ही हैं, आपकी वाइब उन्हें फील होती है। ओके, दे मिस यू। चलिए मैं एक मैसेज और लेती हूँ यहाँ पर। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये मेरी गलती थी और वो मेरी गलती थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको ब्लेम किया। हो सकता है किसी किसी की सिचुएशन में ऐसा कुछ है कि उनकी कुछ मिस्टेक थी, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया। ओके, गलती उनकी थी लेकिन उन्होंने आप पर उंगली उठाई। तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो। अगर ऐसा किया है, आप लोगों में से किसी के पर्सन ने ऐसा किया है, तो यहाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरी गलती थी, बट आई ब्लेम्ड यू। मैंने तुम पर आरोप लगाया लेकिन गलती मेरी थी। ओके, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग कि उनके मन में क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पर साइंस दिख रहे हैं, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है। ये तीन साइंस तो मुझे काफी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है व्यूअर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बन जाएं हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल रहा है। कमेंट करके बताएं मुझे कि कितनी रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपसे, कितने परसेंट मैच करती है। ओके व्यूअर्स, और मुझे अपकमिंग रीडिंग्स के लिए सजेशंस दे दीजिए या देते रहिए कमेंट्स में। मैंने कुछ सजेशंस देखे हैं, वन साइडेड लव पर काफी लोग सजेस्ट करते हैं, एक तरफा प्यार पर, वन साइडेड लव पर रीडिंग कीजिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज शाम को ही इस टॉपिक पर रीडिंग कर दूँ। ओके व्यूअर्स, आप लोग और भी सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।